हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड। आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 2024 बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखे। मतलब 2024 बोर्ड एग्जाम हो या दुनिया का कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, उसमें आप जीवन परिचय अगर पूछा जाता है तो उसको कैसे लिखे, ट्रिक क्या लगाना है, कौन क्या क्या चीज का प्रयोग करना है। ठीक है, देखिए एक बच्चा कैसा लिखा हुआ है कि इसको फुल में फुल अंक मिलेगा, देखिए क्या क्या गलती किया हुआ सब चीज़ बताएंगे, और कैसे लिखा है, इसमें अच्छा चीज़ क्या है, बुरा चीज़ क्या है, सब चीज़ बताने वाले हैं कि जीवन परिचय में आपको क्या गलती नहीं करना है कि बोर्ड एग्जाम में आपका नंबर काटे। ठीक है, चलिए बस आपको ईमानदारी से वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। कोई भी चीज में ईमानदारी जरूरी है, और क्योंकि बोर्ड एग्जाम पास में आ चुका है तो आपको तैयारी जम के करना पड़ेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब चीज फ्री में होता है। चलिए बिना बकवास किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर नियम जानिए, नियम क्या है, कैसे लिखना है वो चीज़ बताएंगे। सबसे पहले नियम जान जाइए कि लिखा कैसे जाता है। देखिए कोई भी लेखक या कवि है, कोई भी दुनिया का कोई भी लेखक या कवि है, अगर उसका जीवन परिचय लिखना है आपको, तो सबसे पहले देखिएगा लिखा है कि यहाँ पर देखिए नाम उसका लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर नाम लिखा हुआ है ना, यहाँ पर नाम लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले उसको हेडिंग बना के नाम लिखना है, जो भी चीज़ है। नाम लिखने के बाद जन्म लिखना है। देखिए जन्म लिखना बहुत ज़रूरी है। जन्मस्थान, मृत्यु, पिता का नाम, माता का नाम, भाषा का नाम, कार्य, इतना इस टॉपिक, बस इतना मात्र 5-6 टॉपिक याद कर लेते हैं तो हम आपको बता देंगे कि क्या क्या बनाकर क्या क्या ऐड करके जीवन परिचय पूरा लिख सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि नाम मान लीजिए तुलसीदास का लिखना है, तो तुलसीदास मैं लिख देता हूँ तुलसीदास। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं तुलसीदास लिख देता हूँ, अभी याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। जन्म कब हुआ था, 1532 ईस्वी में, तो मैं 1532 ईस्वी लिख देता हूँ। ठीक है, आपको ये ऐसे लिखना है, कॉपी में ऐसे लिखना है, हम ये लिखे ना, ये भी बता देते हैं कैसे आपको लिखना है। जन्म स्थान कहाँ हुआ था, राजापुर, तो राजापुर लिख दीजिए, राजापुर। समझ में आ रहा है बाबू ना, बस आप समझते रहिए। मृत्यु कब हुआ था, 1623 ईस्वी में, अभी हम बता देते हैं। देखिए मृत्यु 1623 ईस्वी में। पिता का नाम क्या था, आत्मराम दुबे था, आत्मराम दुबे। ठीक है, माता हुलसी देवी थी। ठीक है, माता हुलसी देवी थी। भाषा ब्रज था, ब्रज भाषा था। और क्या कार्य, का कार्य जो भी है, ये कार्य चीज़ बताने वाले, उनका कार्य कौन कौन से कार्य किए। ठीक है, देखिए इतना चीज़ तो आपको सबसे पहले हेडिंग बना के लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद बाबू सबसे पहले जानिए, देखिए यहाँ पर एक साइड में हेडिंग बना लीजिएगा, जन्म, जन्मस्थान, मृत्यु। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर समझेगा ना कि आपको पूरा जीवन परिचय याद है, तो फटाक से यही 2 अंक दे देगा। मान लीजिए जन्म भी सही है, जन्म स्थान, मृत्यु, पिता, सब चीज़ नाम सही है, तो वो जानेगा कि इस बच्चा का जीवन परिचय याद है, इस बच्चे को तो 2 अंक दे देगा। बच्चा 3 अंक यहीं दे देगा, जो आप अच्छे से लिखे होंगे 3 अंक यहीं दे देगा, रचना अच्छे से लिखे होंगे तो उसके लिए दे देगा। अब समझते हैं कि लिखने का नियम क्या है। कोई भी लेखक या कवि है, उसका जीवन परिचय लिखने से पहले उनको सम्मान किया जाता है। सम्मान मतलब समझते हैं, इज्जत दिया जाता है। देखिए आप रे तेरे भाषा का प्रयोग मत कीजिएगा, वो किए थे, किए मतलब किए, किया, ऐसा मत करिए, किए थे, मन को इज्जत दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो वो जानेगा आपका थोड़ा बिहेवियर जो है ना, वो भी पहचानता है। देखिए कैसे लिखें, यहाँ पर बोर्ड कॉपी, ये है बोर्ड कॉपी। अब यहाँ पर जीवन परिचय कैसे लिखना है वो जानिए। देखिए मान लीजिए तुलसीदास का जीवन परिचय लिखना है, तो तुलसीदास का हेडिंग बनाना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में समझ जाएगा कि हाँ ये तुलसीदास का ही जीवन परिचय, उसको बार बार जैसे पेपर होता है ना, उसको देखना नहीं पड़ेगा। अब ये तो नियम बता दिए, साइड में ऐसे लिखिएगा जैसे जैसे लिखा हुआ है, ये 5-6 टॉपिक याद कर लीजिएगा। तो अभी किसी भी लेखक का 5-6 टॉपिक याद करेंगे ना, तो ये जीवन परिचय पूरा कंप्लीट बता देंगे, कैसे इसको लिखना है, ट्रिक क्या लगाना है, वो सारा चीज़ बताने वाला। तो बस वीडियो को स्किप किए देखिएगा। देखिए यहाँ पर हेडिंग लाना है जीवन परिचय। अब जीवन परिचय में आपको लिखना कैसे समझिए पहले। देखिए लिखा है कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म, कोई भी लेखक या कवि है, उसका जीवन परिचय लिखने से पहले उसको सम्मान किया जाता है। समझ में आ रहा है ना, उनको क्या किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। तो लिखना है गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, 1532 ईस्वी में वादा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। ये वादा जिला उत्तर प्रदेश में है क्या, बहुत बढ़िया। देखिए 1532 ईस्वी में कहाँ हुआ था, वादा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। अब देखिए जो कुछ विद्वान इनका जो जन्म है ना, एटा जिले के सोरो गांव में मानते हैं, कुछ विद्वान, सारे विद्वान नहीं, कुछ विद्वान। अब देखिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जो इनका जन्म, तुलसीदास जी का जन्म, वो कहाँ मानते हैं ना, वो राजापुर गांव में ही मानते हैं। कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आगे इतना तो यहाँ तक तो याद हो गया कि इनका जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर गांव में हुआ था, और कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो गांव में मानते हैं, और जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो भी कहाँ मानते हैं, राजापुर गांव को मानते हैं। ये कुछ विद्वान में से नहीं है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास का जन्म राजापुर गांव में मानते हैं। यहाँ तक तो याद हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिखना कि तुलसीदास क्या थे, उनकी जाति लिख देना कि तुलसीदास सर्वपारिण ब्राह्मण थे। यहाँ तक तो याद हो गया, यहाँ तक तो ऊपर तो याद हो गया। अब यहाँ से याद करते हैं, तुलसीदास सर्वपारिण ब्राह्मण थे। अब कैसे लिखना है वो चीज़ बताने वाले हैं। अभी देखिए पहले इसको याद कर लेते हैं, जो इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, ठीक है, आत्माराम दुबे, और माता का नाम हुलसी देवी था। अभी यहाँ पर पीछे बताए हैं, क्या बताए हैं कि माता, पिता, जन्म, मृत्यु, सब चीज़ याद कर लेना है, और बना के कैसे लिखना है वो चीज़ बताने वाले हैं। तो बिना वीडियो की स्किप किए अंत तक देखिएगा, ठीक है।
अब यहाँ तक हो चुका कि इनके पिता माता का नाम याद हो चुका। अब यहाँ पर ट्विस्ट एक आता है, नया चीज़ क्या ऐड करना। अब देखिए जो तुलसीदास जी हमारे थे ना, उनका जो जन्म हुआ था अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, क्योंकि ब्राह्मण लोगों में ना ये कुंडली देखा जाता है, ठीक है। तो इनका जो अभुक्त मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था, तो इनके कारण क्या हुआ था, इसके कारण क्या हुआ ना कि इनकी जो माता थी तुलसी देवी और पिता थे आत्माराम दुबे, इनको त्याग दिए थे। और क्या हुआ ना, त्याग देंगे तो इनका बचपन बहुत कठिनाइयों से बीता होगा। लिखा इनका जो बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। अब आपको लिखना कैसे बाबू, कि लिखे सौभाग्य से इनको नहरी जैसा गुरु का वरदान प्राप्त हुआ। जैसे वहाँ से इन्होंने गए, मतलब इनका इनके जो माता पिता इनको त्याग दिए, तो सौभाग्य से इनको नहरीदास से गुरु का विद्वान मतलब वरदान प्राप्त हुआ, और इनकी कृपा से मतलब जो शास्त्रों का अध्ययन कर लिए, मतलब जो हमारे तुलसीदास जी हैं किसके कृपा से, नहरीदास की कृपा से कुछ शास्त्रों का अध्ययन कर लिए और काशी चले गए, ठीक है। काशी आ गए थे और तुलसीदास का जो शादी हो गया किसके साथ, इन्होंने जो नहरीदास ने करा दिया, दीनबंधु पाठक की जो पुत्री थी विसुदी कन्या रत्नावली के साथ इन्होंने करा दिया। किसने, नहरीदास ने तुलसीदास का विवाह किसके साथ करा दिया, सुंदरी विसुदी कन्या रत्नावली के साथ करा दिया। और इन्होंने अपनी रूपवती पत्नी से अधिक प्रेम करने लगे थे, जो तुलसीदास हैं रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। अब देखिए एक ट्विस्ट क्या आगे आता है, यहाँ तो समझ में आ गया कि इनके जो पिता त्याग माता पिता त्याग दिए थे, नहरीदास ने पालन पोषण किया और इनको शास्त्रों का अध्ययन कराया, काशी चले गए तुलसीदास और वहाँ पर इनकी शादी हो गई, किसकी, रत्नावली के साथ शादी हो गई, और ये अपने पति से बहुत प्रेम करते थे। यहाँ तो खेला समझ में आ रहा है ना। अब देखिए लिखना कि एक बार पत्नी बिना बताए मायके चले गई थी, प्रेम करेंगे तो मायके चले गई बिना बताए, तो ये आधी रात को ना इनको पता लगा ना, तो ये आधी रात को ना सामना मतलब तूफान का सामना करते हुए चले गए थे अपने ससुराल, तो इनकी जो पत्नी इनको फटकार लगा दिया ना, तो ये क्या हो गए ना, मतलब ये अनेक तीर्थों का भ्रमण करने लगे, मतलब इनको वैराग उत्पन्न हो गया, ठीक है, नहीं एक घमंड उत्पन्न हो गया कि ये हमको क्यों बोली हैं, ठीक है, तो वैराग उत्पन्न हो गया, तो इन्होंने तीर्थ का भ्रमण करते हुए राम जो है राम के पवित्र चरण का गान करने लगे, और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हो गया। और लास्ट में रचना लिखेंगे तो इसके लिए दो अंक मिलेगा, और ये चीज़ समझ में आ गया, इसके लिए दो अंक नहीं, देखिए सॉरी, इसके लिए एक रचना के लिए एक अंक, जो लिखेंगे इसके लिए दो अंक, ठीक है, अच्छे से लिखेंगे तो तीन अंक भी मिल सकता है, और जो ये लिखेंगे इसके लिए एक अंक, ठीक है, ये जो रूपरेखा बनाएंगे इसके लिए एक अंक मिलेगा। तो समझ में आ रहा है बाबू ना। अब बता देते हैं आपको लिखना कैसे जीवन पर्चे। देखिए सबसे पहले नाम बनाना है, ठीक है, नाम को याद रखना है, किसका जीवन पर्ची लिखना है, जन्म याद कर लेना है, राजापुर जो भी गांव है मान लीजिए इनका राजापुर गांव याद कर लेना है, मृत्यु याद कर लेना है, और पिता का नाम, माता का नाम और भाषा का नाम अवकार। अब देखिए हम बस इतना से बनाकर कैसे लिख देते हैं, ठीक है। देखिए लिखना है कि हमारे जो है महान हिंदी के महान कवि तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर में हुआ था, और ये क्या थे ना, बहुत मतलब बचपन से बहुत भोले भाले थे, अच्छे थे, और इनकी जो माता का नाम था वो तुलसी देवी था, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, और ये जो है ना ये बचपन से मतलब छोटे थे तो इनको जो है मतलब जो रचनाओं के प्रति ज्ञान था, मतलब लगाव था, आप बना के लिख सकते हैं, और ये बचपन से मतलब अधिक पढ़ने लिखने में मतलब तेज थे, ये सब चीज़ अपने मन से बना के लिखना है बाबू, नहीं आ रहा है तो। और इनकी जो भाषा थी ब्रज भाषा थी, ये अनेक रचनाओं अपने ब्रज भाषा में लिखा करते थे, जो इनकी कार्य, देखिए थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा जीवन पर्ची लिखने के लिए ना, हल्का फुल्का पढ़ना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पर पढ़े हैं, इसको एक बार दो बार पढ़ लेंगे ना कहानी के तौर पर तो याद हो जाएगा। तो बाबू समझ में आ गया कैसे लिखना आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में या कोई भी बोर्ड एग्जाम हो दुनिया का, ठीक है, तो समझ में आ गया। चलो बाबू मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।